नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का एक बार फिर से गुरु इग्नू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो इतने दिन से नहीं डल रही थी चैनल पे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस आ गए थे बीच में, तो इसी वजह से, और कुछ प्रॉब्लम्स भी थी और कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो वीडियो हम शुरू करते हैं और कंटिन्यू रहेगा वीडियो आज के बाद से, एंड सभी लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। जी हाँ, इग्नू का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आ चुका है, टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म, और उसको भरने की जो भी डेट्स वगैरह हैं, जो भी प्रोसीजर है, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ आज की वीडियो में। और आज का टॉपिक हमारा है इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो भी चीज़ें होंगी, जितनी होंगी, वो मैं सब आपको वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ, और लास्ट तक का दिखाऊंगा कि लास्ट में जितनी चीज़ें होती हैं कि फॉर्म भरने के बाद कैसा, मतलब क्या निकलता है, जो भी निकलता है, वो मैं सब आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म डाल दिया है, और जो पहला ऑप्शन आया है एग्ज़ाम फॉर्म इग्नू, जिसे हम ओपन करेंगे, और exam.ignou.ac.in यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, सारे डेट्स लिखे गए हैं, थ्योरी का जो 150 है पर कोर्स है, और लैब का भी फीस यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और प्रोसीड टू फिल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे आपके सामने खुल गया ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू प्रोग्राम कोड है। अब आपको अपना प्रोग्राम कोड लिखना है, अगर आप BCA कर रहे हैं तो BCA लिखिए, BDP लिखिए, या जो भी आपका कोर्स है, प्रोग्राम कोड वो आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने से यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, और साथ ही अपना रीज़न चुनना है। तो यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ BA। तो यहाँ पे मैंने BA एंटर कर दिया, मैं यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर एंटर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एनरोलमेंट नंबर एंटर कर रहा हूँ, एंड साथ ही हमें अपना रीज़न चुनना है कि जो हमारा सेंटर रीज़न होगा वो कहाँ पे होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई है, तो हम यहाँ पे लिस्ट निकाल रहे हैं, और बेसिकली मैं नोएडा में हूँ, तो फिर मैं उसे नोएडा में सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोएडा, एक मिनट मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ, दिल्ली NCR भी चलेगा। तो अब यहाँ पे आ गया है पूरी लिस्ट, दिल्ली का पूरा खुल के आ गया है। तो दिल्ली में जिस भी एरिया का होगा वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। तो दिल्ली NCR में नोएडा एरिया, मैंने नोएडा यहाँ पे एंटर कर दिया है। पूरा एड्रेस आ गया है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ है 22, एंड अभी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ जैन, और यहाँ पे अब मैं YOB यानी कि ईयर ऑफ बर्थ डालूँगा, तो 1999। मेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डली हुई है, अगर आपको उसे चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट्स के कोड भरने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि BA में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ गई है, तो 1x1 करके आप सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे एंटर कर देंगे, और इस तरह से हो गया, पहला सब्जेक्ट डल गया है। और अगर एक करना है, एक भर सकते हैं, चार भरने, चार भर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया असाइनमेंट जमा है या नहीं, उसे आप यस कर दीजिए। यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई है। अब बात करते हैं पेमेंट की, तो पेमेंट 150 है, जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया था कि 150 पर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका ये ऊपर नंबर आ गया है, पेमेंट अब हम करेंगे। पेमेंट के लिए यहाँ पे गेटवे जो है वो HDFC का ओपन हो गया है। अब पे आपको किससे करना है, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जिससे भी करना है उसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ होने के बाद आप अपना बैंक सेलेक्ट करिए, बैंक सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट करिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना बैंक चुन रहा हूँ, साथ ही पेमेंट कर रहा हूँ। तो इसके बाद का स्टेप जो है मैं आपको स्किप करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है, कंट्रोल नंबर आ गया है, तो ये आपका फाइनल निकलेगा। अब इस कंट्रोल नंबर से आप अपना जो स्टेटस है वो निकाल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, चेक फॉर स्टेटस इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। या तो आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालिए, या तो अपना एंड डेट ऑफ बर्थ डालिए। पहले जो आता था यहाँ पे कंट्रोल नंबर डालने का ऑप्शन आता था, तो अब वो चेंज करते हैं, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आप डाल सकते हैं। डालने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। और इसी के साथ जो लिस्ट होगी, जो मेन रिसिप्ट होगी, जो हमने पेमेंट किया, जो फॉर्म भरा है, उसका जो मेन पूरा होगा, फॉर्म जमा हो जाएगा, जो जमा हो गया है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ देखिए कंट्रोल नंबर मेरा आ गया सेम एज इट इज़, और यहाँ पे फ़ोटो के साथ आ चुका है बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप, सेंटर कोड वगैरह सब डला हुआ है, सब कुछ हो गया है, सब चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे प्रिंट करेंगे अब इस पेज को। और तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि फॉर्म पूरा डन हो चुका है, पेमेंट हो गई है, प्रिंट एक्सेप्ट निकल चुका है। तो मैं आपसे सभी से यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और इसे शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी इग्नू के स्टूडेंट्स को पता चले और अपना फॉर्म टाइम पे भर सके। और ये रहा हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन दबा के रखना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय।